आज के सूडो आप लोगों को बताने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। अब यहां पे आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है जितने भी नंबर्स हैं, बट जैसे हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते थे, बट यहां आपको डिवीजन मेथड से करना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए कि आपके पास 2304, तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि आखिर डिवीजन मेथड से डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे कैसे। प्राइम फैक्टराइजेशन वाला तो बड़े बढ़िया से आता है हमें, तो देखिए हम आपको फर्स्ट पार्ट का करके बताएंगे, आप यूं समझ जाएंगे, बस ध्यान समझिए, बहुत इजी है। 2304, अब डिवीजन मेथड है यानी कि इसको कुछ लिखना डिवीजन की ही तरह पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ इस तरीके से करिए, ठीक है, जैसे एलसीएम में हम ऐसे करते हैं ना, इसमें हमें ऐसे करना है। ओके, ऐसे कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, बार यानी कि पेयर बनानी है, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में जब हम उसके फैक्टर्स लिखते थे, ठीक है, तो उसका हम पेयर बनाते थे, सिमिलरली यहाँ पे आपको पेयर बनाएंगे बट थोड़ा अलग तरीके से। आपको क्या करना है, राइट साइड से दो दो डिजिट्स का पेयर बनाना है, ये एक पेयर बना, देन द सेकंड पेयर इज दिस वन, ठीक है, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, ये हमारे दो पेयर बन गए। नाउ नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब आपको वो ऐसा नंबर सोचना है, वो बड़ा से बड़ा नंबर सोचना है जिसका अगर आप स्क्वायर करो तो वो 23 आए, करेक्ट, या 23 से कम है, जस्ट लाइक डिविजन, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लाई आप डिविजन में, क्या होता है यहाँ पे जो भी नंबर है आप उसका टेबल उतनी बार पढ़ो कि या तो इतना या तो इससे कम आए। सिमिलरली यहाँ पर आपको एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर सोचना है जिसका अगर आप स्क्वायर करें तो आपको 23 मिल जाए या 23 से कम मिले, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं हम 2 2 2 4, अरे तो बहुत ही कम है, तो हम आते हैं किस पे, 5 5 5 25, ये ज्यादा हो गया, 4 4 16, यानी कि 4 4 16 हम 4 को ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसके आगे वाला नंबर लेंगे 5 तो वो ज्यादा कर देगा, तो हम लेंगे 4 को, ठीक है, जी हाँ भाई 4 को ले लिया, 4 4 16, अब ऊपर हमें लिखना भी तो हमारी स्पेस नहीं बच रही, यहाँ लिख देते हैं, आंसर है हमारा, पहला हमें डिजिट मिल गया अपने स्क्वायर रूट का, दैट इज 4। अब हमें क्या करना है, 4 4 16, राइट इट डाउन हियर, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको जैसे प्रैक्टिस करते हैं डिवीजन में, तो 13 में से 6 जाएगा 7, 1 में से 1 गया तो 0 ही आ गया, देन क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में उतार लेंगे, ठीक है, डिवीजन में करते हैं एक एक उतारते हैं, इसमें दोनों को साथ में उतार लेंगे, तो ये हो गया 704। अब आपको क्या करना है भाई, यहां पर ये जो 4 है ना, इस 4 में 4 को ही ऐड करना है, मतलब यहाँ आपने जो नंबर लिया है उस नंबर में उसी सेम नंबर को ऐड किया जाता है, दिस इज द नेक्स्ट प्रोसेस। तो 4 + 4 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखिए 8 थोड़ा दूरी लिखिएगा, क्यों, क्योंकि आपको 8 के बाद एक और नंबर चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि जैसे अगर मान लीजिए, लेट सपोज आपने 8 के बाद नंबर लिया 2, तो आप 82 यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 2 2 4 8 2 16। अगर आपने 8 के बाद लिया 3, तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 3 3 9 8 3 24, समझ आया। अगर आप लेंगे 4, तो आप करेंगे 4 में मल्टीप्लाई, 4 4 16 8 4 32, समझ आया। तो अब आप ऐसा नंबर लेंगे जिसका अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करें तो आपको या तो 704 एग्जैक्ट मिल जाए या उससे कम मिले, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 4 तक हमने कर लिया, आते हैं अब हम 6 पर। अब देखिए 6 का जब हम करेंगे, 6 6 36, क्या ये आ गया 3, 8 6 क्या आ गया 48 एंड 3 51, 8 टाइम्स करते हैं 88, 8 8 जस्ट 64, देन बचा 6, 8 8 जस्ट 64 एंड 6 70, लीजिए भाई एग्जैक्ट मिल गया। यानी अब इस 8 के बगल में हम लिख लेंगे 8, अगर आप बिल्कुल सटा करके लिख देंगे तो आप उसके बगल नंबर कहाँ लिखेंगे, इसलिए मैंने बोला इसको थोड़ा दूर लिखिएगा, ठीक है, जब ऐड करिएगा तो आ गया आपका 88। ओके, अब क्या करना है, इस 88 का मल्टीप्लाई 8 में किया, हमें पता है 704 आएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे 704 एंड इधर आ गया 0। अब यहाँ हमने 8 लिया था तो आपको यहाँ पर भी 8 कर देना है, ठीक है, यहाँ पर हमने 4 लिया तो 4 लिखा, 8 लिया तो 8 लिख दिया, तो 48 हमें मिल गया, यानी कि 48 क्या है, 2304 का स्क्वायर रूट है, ठीक है, किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। अब लग रहा होगा भाई कितना झमेला है, सही बात है झमेला तो है, लेकिन ये भी एक मेथड है भाई, जो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएगा उसके लिए ये वाला मेथड है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली सेकंड में है आपका 4 4 8 9, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 4 8 9, इसको अगर हम करेंगे
पहले 10 पेयर बन गया, देन 4 का पेयर बन गया। अब हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करें 44 आए, उससे कम आए, ठीक है। तो अगर हम लेते हैं 8 8 64, ज्यादा ही हो गया, 7 7 49, 6 6 36, तो हम ले सकते हैं 6, समझ आया। 6 6 36, ऊपर भी आ जाएगा 6, इधर आ गया 36, 4 में 6 यानी 14 में से 6 जाएगा, इधर आ गया 8, देन उसके बाद इसे 89 को उतार देंगे, 889 आ गया। अब 6 में 6 को ही ऐड करना है, याद रखिएगा, तो 1 2 यानी कि 12 आ गया। 12 के आगे कौन सा नंबर ले भाई, आइए देखते हैं। तो इसके आगे लेते हैं पहले 5, 5 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
ठीक है, 7 2 14 एंड 4 18, 18 को 8, उसके बाद 7 1 7 एंड कैरीज 1 8, तो 8 8 9, यानी कि 7 टाइम्स में हुआ, 7 कर देंगे एंड उसके बाद लिखेंगे 8 8 9, देन इधर आ गया 0, ठीक है, तो 67 हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। टू द थर्ड पार्ट, 3 4 8 1, अब हम फटाफट करते हैं, 81 पैर बन गया, 34 पैर बन गया, ऊपर बार लगा के आपको पैर बनाना है, तो 6 6 36, ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है 34 है यहाँ पे, तो हम 5 का लेंगे, 5 5 20 5, तो यहाँ पे 4 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 9 8 8 1, अब 5 + 5 = 10, ठीक है, अब 10 के आगे क्या रखे भाई, चलिए 1 रख लेते हैं, 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1, वही आएगा 1 0 4 रख लेते हैं, 4 4 16 कैरीज 1, 4 0 0 1 4 1 4 416, अब थोड़ा बड़ा नंबर रखते हैं, तो 1 0 8, 8 8 64 8 0 0 एंड कैरी 6 8 1 8, नहीं 9 रखते हैं, आई होप 9 टाइम में हो जाएगा, 9 9 81 को 1, उसके बाद 8 आ गया, देन 9, जी हाँ 9 टाइम्स में ये हमारा कंप्लीट हो गया, 9 8 1, यार इस 0, यानी कि आपका 59 क्या है आंसर, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 3 4 8 1। कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, दैट इज 529, तो इसका 29 का एक पैर बन गया, 5 का पैर नहीं बन पाया, तो हम इसको अकेले ही लिखेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं भाई उसको बेचारे को, तो 2 ले सकते हैं क्योंकि 2 2 4, 3 3 तो 9 हो जाएगा, तो यानी कि 2 2 4, उसके बाद इधर आ गया 1, देन 2, 9 उतार लिया, 2 + 2 = 4, 4 के आगे क्या लगाएं देखते हैं, तो हम 4 के आगे लगाते हैं 3, 3 3 = 9, 4 3 = 12, ओ वाओ छोटा नंबर था लगता है इसीलिए एक ही बार में हो गया 129, ठीक है, इसके आगे भी लगा देते हैं 3 43, ठीक, तो यानी कि 23 क्या है, स्क्वायर रूट है 529 का। कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट, दैट इज 3 2 4 9, पेयर बना, अब देखिए 6 6 = 36, 5 5 = 25, 12 में से 5 गया 7, इसको उतार लिया 749, 5 + 5 = 10, क्या लगाएं अब हम, इसके आगे 3 लगाते हैं, 3 3 = 9, 3 0 = 0, 3 1 = 3, 309 आ गया, यानी कि अभी इसमें काम नहीं बनेगा, तो 107 लेते हैं, 7 7 = 49, 4 7 = 7, 749, देखिए 7 टाइम्स में हो गया, 7 4 9 0, इसका मतलब 59 स्क्वायर रूट है किसका, 3 2 4 9 का। इनटू द सिक्स्थ पार्ट, दैट इज 1 3 6 9, इसका ये एक पैर बना, अब देखिए 3 3 = 9, 4 4 = 16, 4 टाइम्स में ज्यादा हो गया, यानी कि 3 को लेंगे, 3 3 = 9, ओके 13 में से 9 जाएगा बच्चा 4, 6 9 उतार लिया, 3 + 3 = 6, 6 के आगे क्या लगाएं हम, देखिए 6 के आगे लगाते हैं 7, नंबर बड़ा है क्योंकि 7 7 = 49 को 9 क्या किस 4, 7 6 = 42 एंड 4 46, ये देखिए 7 टाइम्स में हो गया 4 6 9, ओके यहाँ आ गया 0, यानी कि 37 इज योर स्क्वायर रूट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, 5 7 7 6, पैर बन गया
तो देखिए 17 में से 9 जाएगा 8 बचा इधर आ गया 7 6 उसके बाद 7 प्लस 7 इज 14 के आगे क्या लगाएंगे 14 के आगे देखिए 14 के आगे लगाते हैं 6 36 कैरीज 3 6 4 जा 24 एंड 3 27 को 7 कैरीज 2 इधर आ गया 8 यानी कि 6 टाइम्स में जाएगा 8 7 6 ठीक है 76 इज आंसर कमिंग टू द 8th पार्ट 7 9 2 1 पैर बना ठीक है उसके बाद देखिए 8 8 64 तो ये भी अभी कम है 9 9 81 ये ज्यादा हो गया यानी कि 8 टाइम्स पे ले जाएंगे 8 8 64 ठीक है आ गया 5 इधर आ गया 1 एंड आगे उतार लिया 2 1 उसके बाद 8 plus 8 is 16 के आगे लगाएंगे 9 तो 9 से करेंगे 9 9 81 देन बचा 8 उसके बाद 9 6 54 एंड 8 आ जाएगा 62 को 2 कैरी 6 उसके बाद इधर आ गया 15 तो अब यहाँ पे 1 5 2 1 आ गया 9 टाइम्स करने पे ठीक है तो ये हमारा 89 क्या हो गया स्क्वायर रूट हो गया 7 9 2 नेक्स्ट देखते हैं जिसमें है 576 ओके तो यहाँ पे हमने पैर बनाया 2 का 4 1 7 6 4 4 के आगे रखेंगे हम 6 6 6 36 को 6 कैरी 3 6 हो 24 एंड 3 27 ये तो ज्यादा हो गया तो हम इसके आगे 3 रखते हैं तो 3 जब रखेंगे तो इधर आ जाएगा 3 3 9 4 3 12 नहीं है अभी कम है 4 रख के देखते हैं तो 4 4 4 4 16 4 4 16 7 हाँ 4 टाइम्स में हो गया दोस्तों 1 7 6 आ गया 0 24 नेक्स्ट पार्ट है 1 0 2 4 3 3 9 बचा 1 2 4 आ गया इधर 6 इसके आगे रखते हैं 2 2 2 4 इधर आ गया 12 1 2 4 ठीक है के बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2 4 0 32 आपका स्क्वायर रूट है 1 0 2 4 का आगे देखते हैं जिसमें है 3 1 3 6 उसके बाद 5 5 25 बचा 6 आगे आ गया 3 6 10 है देन 6 6 36 उसके बाद आ गया 6 यानी कि 6 टाइम्स में हो जाएगा 6 3 6 0 56 हमारा आंसर नेक्स्ट है आपका 900 ये हमने पैर बनाया 3 का करेंगे 3 3 9 इधर आ गया 0 इधर उधर डालेंगे 0 0 ठीक है अब यहाँ पे 3 और 3 क्या हो गया आपका 9 हो गया ठीक है 9 एंड क्या क्या लगाए दोस्तों कि हमारा इतना ही आ जाए तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा 9 के आगे 0 9 के आगे अगर हम 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा उससे ये भी हमारा 0 ही हो जाएगा तो इधर आ गया 0 यानी कि 0 इधर आ गया आपका 0 ठीक है 0 तो इस तरीके से आपका क्या आ गया यहाँ पे 30 तो 30 किसका स्क्वायर रूट है 900 का स्क्वायर रूट है तो ऐसे अगर 0 0 आ जाए तो नहीं कि आपने छोड़ देना है क्या आ गया 3 हमारा आंसर वो गलत हो जाएगा 0 है तो भी आपको करना पड़ेगा तो क्वेश्चन 1 होता है सॉल्व मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।